अरे इस आदमी को कहाँ लेके जा रहे हो तुम लोग? इसे फांसी की सजा मिली है, इसीलिए ले जा रहे हैं। हाय रे, अपने कर्मों का फल भोगने चला है ये आदमी। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, भोगना ही पड़ेगा। जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। अब भुगतो, आओ आओ पानी पी लो। रोज तुम लोगों के लिए नीचे से कितना कष्ट उठाकर पानी लाता हूँ। पी लो पी लो। क्या हुआ आज तुम लोगों को? हम में से कोई आज तुम्हारा लाया पानी नहीं पिया। पर क्यों? जिस आदमी को फांसी की सजा मिली है उस आदमी को ना तुम जानते हो ना ही पहचानते हो, उसे कभी देखा भी नहीं, फिर भी कितनी आसानी से उस पर दोषारोपण कर दिया। दूसरों के प्रति ऐसी संवेदनहीनता के बर्ताव के कारण और किसी के दुख में खुश होने के स्वभाव के कारण तुम पापी हो। हम सब ने तुम्हारा त्याग किया है। जो लोग तुम्हारी तरह हैं उनके पास जाओ। अरे नहीं, मैं समझ नहीं पाया, गलती हो गई मुझसे। अब प्रायश्चित कैसे करूं मैं? जिस दिन इन तीनों डालियों में पत्तियां निकल आएंगी उस दिन तुम पाप मुक्त हो जाओगे, पर उसके लिए तुम्हें कुछ अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। अच्छे कार्य? माँ, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, ये लो खा लो ना माँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों की डकैती के पैसों का आज तक मैंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया है और आज अंतिम समय में दवाई खा कर मैं पाप नहीं करूंगी। अगर कर सकते हो तो सच्चाई की राह पर चल कर कुछ काम करो, वरना ऊपर वाला तुम लोगों को माफ नहीं करेगा। नहीं। अरे भैया, मुझे कुछ भीख दे दो ना तुम। मेरे पास तो इन तीन सूखी डालियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। दात। अरे रे 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 भागो भागो बच्चा डूब गया डूब गया कोई है बचाओ उसे अरे डूब गया। अरे कौन डूब गया? एक बच्चा डूब गया। क्या? अच्छा कार्य। हाँ, उस बच्चे को बचाकर मुझे अच्छा कार्य करना ही पड़ेगा, मुझे पाप मुक्त होना ही पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ, बच्चा बिल्कुल ठीक है। ओह, अच्छा कार्य तो हाथ से ही निकल गया। भैया आप लोग तैयार रहना, एक आदमी आ रहा है। जो भी बाहर निकाल। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये तीन डालियां हैं। क्या, सिर्फ ये तीन डालियां हैं? छह। ए, इसे मारकर मिट्टी में गाड़ दो। तुम लोग गलती कर रहे हो, ये तीनों डालियां मेरे पापों की सजा है। अगर मुझे मारोगे तो तुम्हारे सर पर भी ऐसे ही तीन डालियों का बोझ आएगा। क्या मतलब? अपने पापों की सजा मुझे मिल रही है। इन तीन डालियों में जब तक पत्ती नहीं निकलेंगे तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम लोग इंसानों की हत्या कर रहे हो, तुम लोगों की सजा और भी भयंकर होगी, महाभयंकर। कर सको तो सच्चाई की राह पर चलकर कुछ काम करो, वरना ऊपर वाला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। अब ए, बेकार की बात बंद कर, चलो मारो इसे। ए, रुक जाओ तुम लोग। माँ ने आते समय क्या कहा था याद नहीं है? हमने ना समझा ना ही माना, आज साक्षात प्रमाण देख रहे हैं। सुनिए, हम सब आपकी मदद करेंगे इन डालियों में जान लाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। अब भैया, जब इतनी बड़ी जमीन है तो क्यों ना कुछ पेड़ लगाया जाए,
हाँ बिल्कुल सही कहा। डकैती छोड़कर ये तीनों भाई पेड़ लगा रहे हैं। दस तरह की एक बूढ़े की बातों में आकर इनकी मति मारी गई है। लगता है अब हम सब बिना खाए ही मर जाएंगे। बेटा बेटा मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही, अगर कुछ मदद कर देते तो। आप यहीं पर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब मैंने आपको दे दिया, अपनी बेटी की शादी कीजिए। तुम्हारा भला हो, मैं चलती हूँ। पता नहीं आजकल भैया को हो क्या गया है, कौन जाने। पत्ते निकल आए हैं, पत्ते निकल आए हैं। बूढ़े बाबा, मेरी ढाल पर वो पत्ते निकल आए हैं, पत्ते निकल आए हैं, आइए देखिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। उस बूढ़े को अभी बताना पड़ेगा, अभी। हाँ अभी। बूढ़े बाबा, आज से मैं भी पाप मुक्त हूँ, मेरी डाली में भी पत्ते निकल आए हैं। बूढ़े बाबा हमें छोड़ के चले गए, अब वो नहीं रहे। कौन है आप? मैं देवदूत हूँ। प्रणाम, क्या आप इन्हें ले जाने के लिए यहाँ आए हैं? ले जाइए, ये मर चुके हैं। नहीं, मैं तुम तीनों भाइयों को स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। बूढ़ा तो नरक में जाएगा। पर क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया, तुम लोगों के द्वारा करवाया, इसीलिए। हम अपने सारे पुण्य दे देते हैं, आप इन्हें स्वर्ग ले जाइए। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रहा था, परीक्षा में तुम लोग सफल हो गए हो। बूढ़े ने तुम लोगों में परिवर्तन लाकर बहुत ही बड़ा पुण्य का काम किया, तुम लोगों का ये परिवर्तन ही उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। चलो।